हेलो स्टूडेंट्स, हम कम्युनिकेबल डिजीज़ कर रहे थे जिसमें हमने काफ़ी तरह के डिजीज़ बैक्टीरियल, वायरल, प्रोटोजोन डिजीज़ के बारे में डिस्कस किया था। नेक्स्ट जो हमने मेन डिजीज़ करनी है, जो आपके बुक में एक्सप्लेन फॉर्म में दी हुई है, दैट इज़ द मलेरिया। मलेरिया का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म जो है वो एक प्रोटोजोआ है, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। प्लाज्मोडियम की बहुत सारी स्पीशीज़ होती हैं बच्चे, लेकिन जो आपको मलेरिया हो रहा है, जो मोर प्रोमिनेंट फॉर्म है मलेरिया कॉज करने वाले प्रोटोजोआ की, वो क्या है, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। इसके अलावा और फॉर्म्स भी होती हैं, और स्पीशीज़ भी हैं हमारे प्लाज्मोडियम की, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम ओवेली, प्लाज्मोडियम फ्लेसिपेरम, ये सारे क्या हैं, स्पीशीज़ अलग हैं। इनका जो रीच करने का जो मेथड है, या हम कहें इनका इंक्यूबेशन पीरियड जो है, वो सबका अलग अलग होता है। जैसे हम बात करें कि प्लाज्मोडियम वाइवैक्स का इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, 10 to 14 days। अब इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, वो टाइम पीरियड व्हेन ए प्रोटोजोआ एंटर अ बॉडी एंड एक्सप्रेशन या कमिंग ऑफ सिम्टम्स ऑफ अ डिजीज, कि वो टाइम पीरियड जब, जिसके बीच में क्या है, कोई भी पैथोजन आपकी बॉडी में एंटर कर रहा है और कब आपके सिम्टम्स आ रहे हैं, वो जो टाइम गैप है उसे हम क्या बोल रहे हैं, इंक्यूबेशन पीरियड। तो प्लाज्मोडियम वाइवैक्स का इंक्यूबेशन पीरियड 10 to 14 days होते हैं, जबकि हम मलेरिया की बात करें उसका 30 days होता है, कि 30 days के बाद आपकी बॉडी में सिम्टम्स दिखाई देंगे। ओवेलिस की हम बात करें, इसका 14 days होता है। फ्लेसिपेरम की बात करें, इसका 12। तो सबका इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, अलग अलग है। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, मतलब प्रोटोजोआ कैसे डिजीज करेगा, इट इज एन आर्थ्रोपोडल वेक्टर बेस्ड डिजीज है। प्रोटोजोआ पैरासाइट इज कैरिड बाय द फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटोज। फीमेल मॉस्किटो लेकर आएगा प्रोटोजोआ को, क्योंकि फीमेल जो मॉस्किटोज होते हैं, दे आर ब्लड सीकर्स, ब्लड के ऊपर फीड करने वाली मॉस्किटोज होती हैं, जबकि जो मेल मॉस्किटो होता है, दैट फीड ऑन द प्लांट्स, हर्बीवोरस है वो, जबकि जो फीमेल है वो, दैट इज ब्लड सकर है वो, ठीक है। तो मेल एनोफिलीज आर नॉट अ कैरियर ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। अब हम कैरियर किसे कह रहे थे, कैरियर क्या होता है, वो ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म, चाहे वो कोई एनिमल है, चाहे वो कोई आर्थ्रोपोडा है, कोई भी एनिमल जिसके अंदर खुद डिजीज डेवलप नहीं होती, लेकिन वो ट्रांसमिट करवाने में मदद करता है एक पर्सन टू नेक्स्ट पर्सन, मतलब इट इज अ सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ अ डिजीज। कि ट्रांसमिशन किसकी हेल्प से होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, कैरियर बोलते हैं। तो यहां पर जो कैरियर है, दैट इज फीमेल एनोफिलीज। तो क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं मलेरिया होने के बाद, थकान रहती है, टायर्डनेस, हेडेक, बुखार चढ़ जाएगा आपको, ठंड लगेगी बहुत ज्यादा, ठंड लगकर आप कपकाने लगेंगे, शिवरिंग इफेक्ट होएगा और एकदम से आपका बुखार उतर जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है, चिलिंग इफेक्ट, शिवरिंग, फीवर, ये क्या है, साइकिल्स में रिपीट होता रहता है, मतलब कुछ कुछ इंटरवल्स के बाद दोबारा से आपको बुखार चढ़ेगा, ठंड लगेगी और आप आपके अंदर शिवरिंग होएगी, कप कप आएंगे आप, ठीक है। तो ये जो साइकिल है, ये किस वजह से होएगा, ये हम अब लाइफ हिस्ट्री पढ़ते हैं, कैसे प्लाज्मोडियम टू होस्ट से ट्रांसमिट होता है और कौन कौन सी स्टेजेस आती हैं, जो वो स्टेजेस क्या क्या बॉडी में इफेक्ट डालती हैं। तो अब हम पढ़ते हैं लाइफ हिस्ट्री। लाइफ हिस्ट्री क्या है, प्लाज्मोडियम कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल इन टू होस्ट, ह्यूमन बॉडी एंड फीमेल एनोफिलीज। प्राइमरी होस्ट इज अ फीमेल एनोफिली एंड ह्यूमन बॉडी इज सेकेंडरी होस्ट। तो ह्यूमन बॉडी में कैसे हमारा प्लाज्मोडियम एंटर करता है, कौन सी स्टेज में एंटर कर रहा है, स्पोरोजाइट। स्पोरोजाइट इज अ स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम इन विच इट एंटर दी ह्यूमन बॉडी। कई बार क्वेश्चन आता है कि ह्यूमन बॉडी में कौन सी स्टेज में प्लाज्मोडियम आ रहा है, वो है स्पोरोजाइट। तो जैसे ही फीमेल एनोफिलीज बाइट करती है ह्यूमन को टू सक दी ब्लड, वो क्या छोड़ देती है, प्रोटोजोआ छोड़ देती है ह्यूमन ब्लड में,
उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, स्पोरोजाइट। अब ये एक स्पोरोजाइट नहीं होता, थाउजेंड्स ऑफ स्पोरोजाइट्स होते हैं। तो आधे घंटे बाद ही क्या होगा, स्पोरोजाइट ब्लड में से डिसअपियर हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है ब्लड में क्या प्रेजेंट है बच्चों, WBC सेल्स होते हैं जो हमारे डिफेंसिव सेल्स हैं, हमारे रक्षा कर रहे हैं ताकि बाहर से कोई पैथोजन हमारी बॉडी में ना आए। तो स्पोरोजाइट्स अपने आप को WBC सेल्स से बचाने के लिए ब्लड से कहाँ चला जाता है, लिवर में चला जाएगा और वहां जाकर मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेज क्या आएगी, साइजोगैनी आएगी, कि जो ये स्पोरोजाइट एंटर करा है, जो लीवर में पहुंच गया, वहां पर जाकर ये थोड़ा स्पिंडल शेप्ड होता है, इसकी जो शेप होती है समवर्ट ऐसे होती है, स्पिंडल शेप की तरह होता है स्पोरोजाइट। लेकिन जैसे ही वो लीवर में जाता है वहां पर ग्रो करेगा, साइज में इंक्रीज करेगा और अपने आप को क्या है, राउंड स्ट्रक्चर बना लेगा। इस राउंड स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, साइजोंट बोलते हैं। तो प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ऑफ स्पोरोजाइट टू साइजोंट इज कॉल्ड साइजोगैनी, ठीक है। ये कहां पर हो रहा है, लिवर में हो रहा है। तो जैसे ही साइजोंट बनता है, एक राउंडेड स्ट्रक्चर बनता है, इसके अंदर बहुत सारे डिविजन्स होने लग जाएंगी अंदर ही अंदर, ठीक है, और दोबारा से स्पिंडल शेप स्ट्रक्चर्स बनेंगे जिन्हें हम क्या बोलेंगे, मीरोजॉइट्स बोलेंगे। तो साइजोंट भी कहां बन रहा है बच्चे, लीवर में बन रहा है, मीरोजाइट भी कहां बन रहा है, लीवर में बन रहा है। नेक्स्ट क्या होगा, जैसे ही मीरोजाइट डेवलपमेंट होती है तो ये जो साइजोंट बना है ये ब्रस्ट हो जाएगा, ताकि बहुत सारे आपके मीरोजाइट्स निकले और वो कहां एंटर कर जाएंगे, दोबारा से RBC सेल्स में एंटर कर जाएंगे। तो RBC सेल से वो न्यूट्रिशन लेने लगेंगे, तो अपने आप को एक रिंग स्ट्रक्चर में, रिंग स्ट्रक्चर का मतलब है इस तरीके का कि बिल्कुल पतले तरीके का एक स्ट्रक्चर बन जाएगा, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, ट्रोफोजॉइड, जिसका नेचर क्या है, एमोबॉइड इन नेचर। एमोबॉइड का मतलब जो अपनी शेप क्या है, जल्दी जल्दी से चेंज करता रहेगा। तो जैसे ही ट्रोफोजाइट RBC सेल्स के अंदर ग्रो होने लग जाएगा, बहुत सारे नंबर बनने लग जाएंगे, तो RBC सेल्स क्या है, फट जाएंगी। तो जब RBC सेल्स फट जाती हैं तो एक टॉक्सिन रिलीज होता है, हीमोजाइन, ठीक है। तो यही हीमोजाइन रिस्पॉन्सिबल होता है फीवर, चिलिंग और शिवरिंग इफेक्ट के लिए। हर 2 दिन के बाद, या हम कहें हर 48 आवर्स के बाद, हाई फीवर, चिलिंग और शिवरिंग इफेक्ट जो आ रहा है वो कौन से केमिकल की वजह से आ रहा है, हीमोजाइन, जो कौन रिलीज कर रहा है, ट्रोफोजाइट। कहां पर, जब RBC सेल्स क्या हो रहे हैं, ब्रस्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे इफेक्ट होने के बाद एकदम से आपको पसीना आ जाता है और आपका बुखार क्या है, उतर जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है, हाई टेम्परेचर, देन चिलिंग, शिवरिंग, देन स्वेटिंग, वो हर 2 दिन के बाद होती है ड्यू टू दी टॉक्सिन प्रेजेंट इन द ब्लड, दैट इज हीमोजाइन, विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द ट्रोफोजाइट वाइल ब्रस्टिंग दी RBC सेल्स। तो ये जो प्रोसेस है ट्रोफोजाइट फॉर्मेशन का, ये बहुत टाइम तक चलता रहता है। मतलब मीरोजाइट बने, फिर ट्रोफोजाइट बने, फिर उन्होंने हीमोजाइन रिलीज करी, फिर दोबारा से मीरोजाइट डिवाइड होने लग गए, ट्रोफोजाइट बनाए। तो ये जो साइकिल है रिपीट होती रहती है, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि कुछ मीरोजाइट्स क्या है, अपनी शेप चेंज कर लेते हैं और अपने आप को डिफरेंट बना देते हैं। 2 टाइप ऑफ सेल्स में मेल गेमीट बन जाएगा, मतलब मेल गेमीटोफाइट बन जाएगा, जिसको हम बोलेंगे माइक्रो गेमीटोसाइट। इसका जो साइटोप्लाज्म होता है बच्चे, बिल्कुल क्लियर होता है और आपका जो न्यूक्लियस है सेंटर में प्रेजेंट होगा, जो मेल गेमीटोफाइट बना है। जबकि फीमेल गेमीटोफाइट का जो साइटोप्लाज्म है वो डेंस है, बहुत थिक है, और जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होएगा वो एक साइड पे प्रेजेंट होता है, एक्सेंट्रिक प्रेजेंट होता है एक साइड में, ठीक है। तो हम क्या बता रहे हैं कि जब ट्रोफोजाइट बार बार डिवीजन होती रहती है, मीरोजाइट बनते रहते हैं, ट्रोफोजाइट बनते रहते हैं, तो ये जो प्रोसेस है चिलिंग इफेक्ट हो रहा है, ये कई टाइम तक होता रहता है। तो क्या होगा, कुछ सेल्स
अपने आप को डिफरेंशिएट कर लेंगे टू फॉर्म टू डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, मेल गेमिटोफाइट एंड फीमेल गेमिटोफाइट, मतलब दो सेल्स डिस्टिंग्विश्ड हो जाएंगे। ठीक है, तो जैसे ही अब आरबीसी सेल्स के अंदर क्या है, दो तरह के मेरोसाइट्स घूम रहे हैं। तो जैसे अब ये पर्सन क्या है, इसके अंदर क्या है, सिम्टम्स आ रहे हैं, डिजीज हो गई है इसको। अब ये पर्सन के ऊपर अब नेक्स्ट कोई मच्छर आके बैठा है, फीमेल एनोफिली आएगी, मतलब वो पर्सन क्या है, अब इन्फेक्टेड पर्सन है, बाइट द इन्फेक्टेड पर्सन। तो ये जो गेमिटोफाइट्स उसके ब्लड में घूम रहे हैं आरबीसी सेल्स में, वो एनोफिलीज में एंटर कर जाएंगे और उसके स्टमक तक रीच हो जाएंगे। स्टमक इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, वहां पर फर्टिलाइजेशन होएगी और वहां पर जाइगॉट बन जाएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, ओकाइटिन। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि वेयर द फर्टिलाइजेशन ऑफ गेमीट्स अकर फॉर प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, वेदर इट इज इन द ह्यूमन बॉडी, इट इज इन द मॉस्किटो, इट इज इन द स्टमक ऑफ द मॉस्किटो। तो राइट आंसर क्या है, स्टमक ऑफ द मॉस्किटो में ही फर्टिलाइजेशन होती है। तो जो जाइगॉट बना है उसे हम ओकाइटिन बोलेंगे, जो फर्दर डेवलपमेंट होएगा और मल्टीप्लाई करता रहेगा टू फॉर्म ए स्पोरोजाइट। ये सारी चीज कहाँ पर हो रही है, स्टमक में हो रही है। तो जैसे ही स्पोरोजाइट बनने शुरू हो गए, मतलब क्लीवेज हुई, डेवलपमेंट हम उसे ही बोलते हैं ना, अब तो बहुत सारे सेल्स बनने शुरू हो गए, उन सेल्स को हम क्या बोल रहे हैं, स्पोरोजाइट। तो स्पोरोजाइट बनने के बाद ये सारे क्या हैं, जो लिक्विड घूम रहा है मॉस्किटो के अंदर, हीमोसील, उसमें रिलीज हो जाएंगे, ताकि ये स्पोरोजाइट कहां पर रीच हो जाए, सलाइवरी ग्लैंड में रिलीज, और वहीं पर स्टोर रहते हैं। अब मॉस्किटो के अंदर स्पोरोजाइट फॉर्म में प्रेजेंट है, अब वो मच्छर किसी और हेल्दी पर्सन में जाकर बैठेगा और बाइट करने लगेगा, तो स्लाइवरी ग्लैंड से वो स्पोरोजाइट अब हेल्दी पर्सन की बॉडी में एंटर कर जाएंगे। तो अब जहां से शुरू हुए थे हम, कहां से, स्लाइवरी ग्लैंड ऑफ दी फीमेल एनोफिली से शुरू हुए थे। उन्होंने क्या किया था, जैसे ही बाइट किया था तो ह्यूमन ब्लड में छोड़ दिया था और वापस उसी साइकिल पे हम पहुंच गए हैं। तो इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, लाइफ साइकिल ऑफ दी प्लास्मोडियम। ठीक है, तो आपकी बुक में एक फिगर भी दे रखी है, उससे हम थोड़ा और ये देखो, ये स्लाइवरी ग्लैंड्स दिखा रखी है मॉस्किटो की, ये देखो, ये सारी स्टेज कहाँ हो रही है, मॉस्किटो के अंदर, और ये सारी स्टेजेस कहाँ पर हो रही है, ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो यहां पर देखो स्लाइवरी ग्लैंड दिखा रखा है, इसके अंदर ये स्पिंडल शेप्ड स्पोरोजाइट्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे ही ये मॉस्किटो ह्यूमन बॉडी को बाइट करेगा, तो जितने भी स्लाइविया के थ्रू जितने भी स्पोरोजाइट स्लाइवरी ग्लैंड में प्रेजेंट हैं, वो ह्यूमन ब्लड में आ जाएंगे। अब ह्यूमन ब्लड में तो डिफेंसिव सेल्स भी प्रेजेंट है, तो वो अपने आप को बचाने के लिए स्पोरोजाइट कहाँ रीच कर जाएगा, लिवर सेल्स में चला जाएगा। ठीक है, वहां जाकर वो ग्रो हो जाएगा, एक सर्कुलर स्ट्रक्चर में बन जाएगा, जिसे हम साइजोंड बोलते हैं। फिर साइजोंड के अंदर बहुत सारे सेल्स बन रहे थे, जिन्हें हम मीरोजाइट, ये देखो ये छोटे छोटे क्या बन रहे हैं, मीरोजाइट्स बन रहे हैं। अब ये मीरोजाइट्स और राउंडेड, हम कह रहे थे ना रिंग की तरह एक स्ट्रक्चर बन जाएगा, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, ट्रोफोजाइट। ये देखो ये साइकिल रिपीट होता चला जा रहा है बच्चे, आफ्टर वेरी जनरेशन हमने बात करी थी ना, ट्रोफोजाइट आया, फिर इसके अंदर मीरोजाइट्स डेवलप हो गए, फिर ये मीरोजाइट्स बन रहे हैं, फिर दोबारा से इससे क्या बन रहा है, ट्रोफोजाइट। तो ये साइकिल बहुत टाइम तक रिपीट होती रहती है। तो ये क्या है, आरबीसी सेल्स के अंदर जब ये डेवलप हो रहे थे तो क्या होगा, ब्रस्टिंग भी हो रही है, है ना, ब्रस्टिंग भी हो रही है। तो ब्रस्टिंग के टाइम क्या है, एक टॉक्सिन रिलीज होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, हीमोजाइन। उसी हीमोजाइन की वजह से क्या है, हमें साइकिल्स ऑफ फीवर होते रहते हैं। ठीक है, तो जो फीवर का इफेक्ट है, चिलिंग इफेक्ट है, शिवरिंग इफेक्ट है, दैट अकर ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ हीमोजाइन। ठीक है, तो अब कुछ मीरोजाइट्स क्या हैं, अपनी
साइज को चेंज कर लेते हैं और दो तरह के मीरोजाइट्स डेवलप हो जाते हैं, दो तरह के सेल्स, एक फीमेल और एक मेल गेमिटोफाइट। तो अब ह्यूमन ब्लड में टू फॉर्म्स ऑफ मीरोजाइट्स घूम रही हैं। तो जैसे ही न्यू मॉस्किटो आता है और उस इन्फेक्टेड पर्सन को के ऊपर आकर बैठता है तो उसका ब्लड सक करने लगता है, तो उसके से क्या चले जाएंगे, ये जो गेमीट्स उसके ब्लड में घूम रहे हैं ये अब मॉस्किटो में एंटर कर जाएंगे। और मॉस्किटो में एंटर करते ही वो कहाँ पहुंच जाएंगे, स्टमक ऑफ द मॉस्किटो में, जहां पर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होएगा। फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट सारी कहाँ हो रही है, स्टमक के अंदर हो रही है। और फिर वो क्या हो जाएगा, हीमोसील की हेल्प से जो लिक्विड घूम रहा है मॉस्किटो की बॉडी में उसे हम बोल रहे हैं हीमोसील। हीमोसील की हेल्प से कहाँ पहुंच जाएंगे वो, सलाइवरी ग्लैंड्स में। और जो वो स्टेज पहुंची है सलाइवरी ग्लैंड्स में उसे हम क्या बोल रहे हैं, स्पोरोजाइट। अब ये स्पोरोजाइट किसी और हेल्दी पर्सन में को इन्फेक्ट करेंगे तो ये साइकिल दोबारा से रिपीट होती रहेगी। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम पीरियड है बच्चे, यहाँ तक अभी कोई सिम्टम्स हमें दिखाई नहीं देंगे, तो ये कितना है, 10 to 14 days है। तो हमें मलेरिया से बचने के लिए क्या करना चाहिए बच्चे, कुछ कंट्रोल मेजर्स आपने सुने होंगे। यूजुअली हम बोलते हैं कि हमें पानी इकट्ठा नहीं होने देना, पॉन्ड्स को हमें साफ रखना है ताकि वहां पर मॉस्किटो ब्रीड ना कर सके, है ना। हमें अगर पानी इकट्ठा करने की जरूरत पड़ रही है तो हमें उसको ढक कर रखना चाहिए, हमें एक्सेस ऑफ पानी को गिराना नहीं चाहिए, क्योंकि इकट्ठा होगा पानी उतना ही क्या होगा, ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज होगी। अगर हमें पानी इकट्ठा भी करना पड़ रहा है तो हमें कुछ इंसेक्टिसाइड्स वगैरह उसमें छिड़कने पड़ेंगे ताकि मॉस्किटो ग्रो ना कर सके। या अगर आपके पास हमें स्लीपिंग नेट्स वगैरह यूज करने चाहिए ताकि हमें मॉस्किटो बाइट ना कर सके, या कोई रिपेलेंट या कोई क्रीम हमें लगानी चाहिए ताकि मॉस्किटो हमें बाइट ना कर सके। तो ये कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जो हमें अपनाने चाहिए टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ मलेरिया दैट अकर विद द हेल्प ऑफ फीमेल मॉस्किटो। ठीक है, तो फीमेल मॉस्किटो जो है वो हमारी कैरियर है, और इन्फेक्टेड पर्सन कौन है, ह्यूमन है जिसके अंदर डिजीज डेवलप हो रही है आफ्टर 10 to 14 days, जिसे हम क्या बोलते हैं, इनक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा मलेरिया डिजीज। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे कि जो हमारी इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है बच्चे, थैंक यू।